जैसा कि कल मैंने आपको सवैया लेसन एक्सप्लेन कर दिया था और आज हम आपको उसके प्रश्नोत्तर कराएंगे। तो सबसे पहले तो प्रश्न नंबर एक, प्रश्न नंबर दो मैंने ब्लैक बोर्ड पर उसके उत्तर लिख दिए हैं। प्रश्न एक प्रश्न दो के आप उन्हें शाम पढ़ से देख के उतारेंगे और प्रश्न नंबर तीन में बोल रही हूँ उसे आप ध्यान से सुनकर कॉपी में लिखेंगे। एक लकुटी और कांवरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने को क्यों तैयार है? तो कवि श्री कृष्ण का अनन्य भक्त है, वो श्री कृष्ण की हर वस्तु से प्रेम करता है। श्री कृष्ण गायों को चराते समय लकुटी और कमरिया कंबल अपने साथ रखते थे। ये कोई साधारण वस्तुएं ना होकर कृष्ण से संबंधित वस्तुएं थी, इसीलिए कवि उन पर सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार है। प्रश्न नंबर चार, सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था, अपने शब्दों में वर्णन करें। तो इसका उत्तर है, सखी गोपी से वही सब कुछ धारण करने को कहती है जो श्री कृष्ण धारण किए किया करते थे। वो गोपी से कहती है कि सिर पर मोर के पंखा का मुकुट, गले में कुंजों की माला, तन पर पीले वस्त्र तथा हाथ में लाठी लेकर वन वन गायों को चराने जाए। प्रश्न नंबर पांचवा है, आपके विचार से कवि पशु पक्षी और पहाड़ के रूप में भी श्री कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर है बच्चों, मेरे विचार से कवि पशु पक्षी और पहाड़ के रूप में भी श्री कृष्ण का सानिध्य इसलिए पाना चाहता है क्योंकि वह श्री कृष्ण का अनन्य भक्त है। वो हर जन्म में हर रूप में अपने इष्ट देव श्री कृष्ण का सामिप्य चाहता है, उसके साथ रहना चाहता है। वो ब्रजभूमि के पशु पक्षी और पहाड़ में श्री कृष्ण की निकटता महसूस करता है। उसे लगता है इन वस्तुओं के रूप में श्री कृष्ण का सानिध्य पाने से उसका जन्म सार्थक बन जाएगा। प्रश्न नंबर छः, चौथे सवैये के अनुसार गोपियाँ अपने आप को क्यों विवश पाती हैं, अथवा गोपियाँ श्री कृष्ण की किन विशेषताओं पर प्रभावित होती हैं? तो इसका उत्तर है बच्चों, इस सवैये के अनुसार श्री कृष्ण की मुरली की धुन अर्थात अत्यंत मधुर एवं मादक है तथा उनका रूप अत्यंत सुंदर है। उनकी मुरली की मधुरता तथा उनके रूप सौंदर्य के प्रति गोपियाँ आसक्त हैं, वे इनके समक्ष स्वयं को विवश पाती हैं और श्री कृष्ण की होकर रह जाती हैं। प्रश्न नंबर सात, भाव स्पष्ट करें। तो पहला का है कि कोटिक एकल घोत की गाधाम करील के कुंजन ऊपर वालों, इसका बेटा भावार्थ हुआ, इसका अर्थ हुआ कि इस पंक्ति में कवि रस खान का श्री कृष्ण से जुड़ी वस्तुओं के माध्यम से उनके प्रति अनन्य प्रेम प्रकट हुआ है। श्री कृष्ण गोप गोपियों के साथ इन करील के कुंजों की छाँव में रासलीला रचाया करते थे। कवि के लिए इन करील कुंजों का अत्यधिक महत्व है, वो इन कुंजों को सैकड़ों स्वर्ण भवनों से भी ज़्यादा प्रिय एवं कीमती मानता है। प्रश्न नंबर सात का खा पाठ, माई रिवा मुख की मुस्कान समझ न जय न जय है न जय है, अर्थात गोपियों को श्री कृष्ण की मुस्कान इतनी सुंदर लगती है कि उसे देखकर वो अपना होशवाश खोकर विवश हो जाती हैं और स्वयं को संभाल नहीं पाती हैं, वो श्री कृष्ण के प्रति पूर्णतया समर्पित हो जाती हैं। प्रश्न नंबर आठवां, कालंदी कुल कदम की डारन में कौन सा अलंकार है? तो इसका उत्तर है, कालंदी कुल कदम की डारन में का वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। जहाँ पर एक ही वर्ण बार 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 आता है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे दुख दर्द दूर भागते नहीं दुलार से, दादा दादा चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, चा चा चा। तो उसी तरह यहाँ पर क्या है, कालंदी कूल कदम की डारन में का वर्ण की आवृत्ति होने कारण अनुप्रास अलंकार है। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर नौ पर, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। या मुरली मुरली धर की अधरन धरी अधरा न धरों की, मतलब उक्त पंक्तियों का काव्य सौंदर्य निम्नलिखित है। इसमें भाव सौंदर्य, गोपी अपनी सखी के
कहने पर श्री कृष्ण के समान ही वस्त्र भूषण धारण तो कर लेगी, पर वो श्री कृष्ण की मुरली को अपने ओठों पर नहीं रखेगी। इस पंक्ति में गोपी का मुरली के प्रति ईर्ष्या भाव प्रकट हो रहा है, अर्थात गोपियों को क्या है, मुरली से जलन हो रही है। मुरली हमारे श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय, तो यहाँ पर उनका ईर्ष्या भाव प्रकट हुआ है। अब में शिल्प सौंदर्य क्या है कि नंबर एक, काव्यांश में ब्रजभाषा की मधुरता निहित है। पॉइंट नंबर दो, काव्यांश रचना सवैये छंद में। पॉइंट नंबर तीन, घा मा तथा रा वर्णों की आवृत्ति कारण अनुप्रास अलंकार है। पॉइंट नंबर चार, मुरली मुरलीधर तथा अधरन ओठों पर, अधरना ओठों पर नहीं, में यमक अलंकार है। पॉइंट नंबर पाँच, काव्यांश में माधुर्य गुण व्याप्त है। अब रचना अभिव्यक्ति का प्रश्न बोल रहे हैं आप लोगों को, बुक से देखे लिखे प्रश्न नंबर दस। प्रस्तुत सवैये में जिस प्रकार ब्रजभूमि के प्रति प्रेम अभिव्यक्त हुआ है, उसी तरह आप अपने मातृभूमि के प्रति अपने मनोभावों को अभिव्यक्त करें। तो इसका उत्तर मैं बोल रही हूँ, आप लोग अपनी कॉपी में लिखें, मैं अपनी मातृभूमि से बहुत प्यार करती हूँ, मैं इसी का अन्न ग्रहण कर बड़ी हुई हूँ, इसी के पावन तथा शीतल वायु में सांस लेकर पली और बड़ी हुई हूँ, यहीं की पावन नदियों का जल पीकर मैंने अपनी प्यास बुझाई है, मुझे यहाँ की गौरवशाली प्राचीन संस्कृति का अंग बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मैं हर जन्म में यहाँ की पावन भूमि पर जन्म लेना चाहूँगी, मैं अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हूँ। और प्रश्न नंबर 11 आपको नहीं करना है, बस इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का दिन मंगलमय हो, मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।